अब अगर अपन एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के बेसिक कंसेप्ट की बात करें तो एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप होता क्या है। मान के चलो भाई ए और बी मस्त पार्टनर्स थे, अपनी पार्टनरशिप फॉर्म चला रहे थे, ये उनकी बैलेंस शीट थी, सब कुछ था। ए की कैपिटल 3 लाख थी, बी की कैपिटल 5 लाख थी, बिजनेस चल रहा था, मानो 10 साल बिजनेस चल रहा था इनका बढ़िया। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2, मतलब 3/5 एंड 2/5। अचानक 10 साल के बाद इनके अंदर एक नया पार्टनर जो कि होता है सी, सी बोलता है यार मुझे भी ले लो, मैं भी तुम्हारी पार्टनरशिप में आना चाहता हूं। अब सी के आने पे क्या क्या बातें ध्यान रखी जाएंगी, सी के आने पे क्या क्या सोचा जाएगा, सी के आने पे कैसे नई बैलेंस शीट फॉर्म होगी, सी से कितना पैसा मंगाना पड़ेगा, सी से क्या गुडविल का कुछ हिस्सा मंगाना पड़ेगा क्योंकि फॉर्म 10 साल तक चल रही है। तो वो सब बातें आप चेक करते हो एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप नाम के चैप्टर में। लेट्स से अगर अपन बात करें कि ए एंड बी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो व्हाट 3:2, सी इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर। सी ने बोला यार मेरे को भी सिर्फ 1/6 शेयर के लिए ले लो, मैं भी तुम्हारी पार्टनरशिप में आना चाहता हूँ। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन ये बनता है कि अगर पहले पूरा की पूरा पिज्जा, पूरा की पूरी पार्टनरशिप हिस्सा किसका था, ए और बी का, अब कौन आ रहा है, सी। तो अगर आप सी को पूरे पिज्जा में से 1/6 दे रहे हो तो बताओ ए और बी के पास बच कितना गया, 6-1 डेट इज कितना 5/6। तो सर अब ए के पास नया हिस्सा कितना होगा, ये बोलेगा मेरा नया हिस्सा होगा 3/5 ऑफ पूरा पिज्जा की 5/6, 5/6। बी बोलेगा उसका हिस्सा होगा 2/5 ऑफ पूरा पिज्जा की 5/6, 5/6। और सी तो बोल रहा है मैं आई कितने के ले रहा हूँ, 1/6 के लिए। तो इन शॉर्ट ये 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बता ए का नया रेशियो कितना हो जाएगा 3/6, बी का नया रेशियो कितना हो जाएगा 2/6 और सी का नया रेशियो कितना हो जाएगा 1/6। तो कहीं ना कहीं ये बात का तो कॉमन बात है सर इन लोगों का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 हो जाएगा और एग्जाम में इतना करने पे आपको आपके एक नंबर कंफर्म हो जाएंगे। दिस इज द फर्स्ट वर्किंग नोट कि आपने पार्टनर्स का क्या निकाला, अगर बात करें तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या निकाला, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऐसे में जो सेकंड इंपॉर्टेंट बात, दिस इज वर्किंग नोट नंबर व्हाट 1, तो आप इसको ऐसे ही नाम डालेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, बैलेंस शीट साइड में दी है इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर मैं अभी आगे बात करूं तो सेकंड पार्ट होता है कि सी के एडमिशन पे हर क्वेश्चन में आपको दी रहेगी गुडविल ऑफ फर्म क्या बन रहेगी। तो यहाँ पे आपको बोल के रखते हैं बहुत बार गुडविल ऑफ फर्म टू बी वैल्यूड एट, इन्होंने बोल के रखा है गुडविल ऑफ फर्म है 2 लाख, 2 लाख यहाँ पर मान लेते हैं इसको 1,80,000 है। गुडविल ऑफ फर्म कितनी है 1,80,000। तो अगर पूरे फर्म की गुडविल वैल्यूड होगी कितनी 1,80,000, तो क्या सी से गुडविल का हिस्सा मंगाया जाएगा, हाँ। तो क्या पूरा 1,80,000 की सी के शेयर के सी के शेयर के इक्वल, दैट इज 1/6 ऑफ कितना 1,80,000। तो सी से अल्टीमेटली मंगाया कितना जाएगा, जितना मैं समझ पा रहा हूँ 30,000 रुपए। क्या ये सी पैसा लाएगा, हाँ, अपनी कैपिटल के साथ, अपनी कैपिटल के साथ। अब अगर मैं बात करूं क्वेश्चन में ये बात गिवन है कि सी 4 लाख रुपए अपनी कैपिटल के लिए ला रहा है, अपनी कैपिटल के लिए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल कितना हो जाएगा 4 लाख, और उसी के नीचे फिर वो गुडविल के लिए कितने ला रहा है 30,000, कितने ला रहा है 30,000। तो कुल मिला के सी हमारे पास पैसा कितना ला रहा है 4,30,000। 4 लाख रुपए वो काय के लिए ला रहा है, अपनी कैपिटल के लिए, और 30,000 रुपए वो अलग से काय के लिए ला रहा है, गुडविल के लिए, जो कि इनडायरेक्टली बटने किसमें चाहिए ए और बी में, किसमें बटने चाहिए ए और बी में, क्योंकि गुडविल आपकी फॉर्म किसकी आज तक ए और बी की, बिजनेस कौन चला रहा था ए और बी, ऐसा किसने कमाया आज ए और बी, सी अचानक से आज बिजनेस में आ गया है 4 लाख रुपए वो अपनी कैपिटल के ला रहा है, मतलब अपनी पूंजी जो बिजनेस में डालना चाहता है वो कितने ला रहा है 4 लाख, और गुडविल के लिए कितने हो गए 30,000। तो सर जैसे ही ये गुडविल आएगी क्या ये गुडविल पार्टनर्स में बटनी चाहिए, कौन से पार्टनर्स में, ए और बी में। तो ध्यान रखिएगा ये गुडविल हमेशा बढ़ती है किसमें, ए और बी में, इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, किसने कितना दिया सी। अभी इस क्वेश्चन में तो नॉर्मल कुछ भी नहीं, सी 1/6 के लिए आया, तो जो पुराना रेशो होगा वही कौन सा रेशो होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो। वरना बच्चों को ये बात ध्यान रखना चाहिए जो गुडविल हमेशा बटेगी वो नॉर्मली कौन से रेशो में बटती है, सैक्रिफाइसिंग रेशो, कौन से रेशो,
सेक्रीफाइसिंग रेशियो, लेकिन जब क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है तो जो पुराना रेशियो होगा उसी को क्या माना जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो गुडविल ए तथा बी में बटेगी 3/5 और 2/5, तो 3/5 ऑफ 30,000 अगर अपन करें, 3/5 ऑफ 30,000 कितना आ गया, 18,000, और 2/5 ऑफ 30,000 करें तो कितना आ गया, 12,000। ये किसको बटेगा, ए और बी को, क्योंकि आज तक फॉर्म इनकी थी तो गुडविल पे हिस्सा भी इनका होगा। तो अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है, जैसे अथर्व अगर नया पार्टनर आ रहा है और मैं और महक पुराने पार्टनर्स, तो ये जो गुडविल का पैसा लेके आए उस पर किसका के, मेरा और महक का, हम हाथों हाथ उसको अपने अकाउंट में शिफ्ट कर लेंगे। क्या यहाँ तक ठीक है? अब नए पार्टनर के आने के जस्ट एक दिन पहले, मतलब मान के चलो अगर अथर्व हमारा नया पार्टनर है, इसके आने के एक दिन पहले रात को मैं और महक बैठे, मैंने बोला यार कल से इस पार्टनर को बिजनेस में ले तो रहे हैं, माना ले रहे, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन यार जो अपनी बुक में बिल्डिंग दिख रही थी 4 लाख की, इसकी तो वैल्यू आज बहुत बढ़ गई है, तो इसकी बड़ी भी वैल्यू का जो प्रॉफिट होना चाहिए किसको होना चाहिए, पुराने पार्टनर्स को। हाँ, किसी चीज की वैल्यू कम हो गई है तो उसका लॉस किसको होना चाहिए, पुराने पार्टनर्स को। इसलिए जब भी कोई पार्टनर, नया पार्टनर आता है बिजनेस में, तो पार्टनर्स उस पार्टनर के आने के पहले ही एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिसको कहा जाता है रीवैल्यूएशन, कहा जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब है कि भाई आज हम सारी चीजों का फिर से रीवैल्यू करेंगे, क्या करेंगे, रीवैल्यू करेंगे कि आज वो बिल्डिंग तो हमने खरीदी थी, समझो 10 साल पहले आपने वो बिल्डिंग खरीदी 10 लाख, हो सकता है उसकी आज वैल्यू 1 करोड़ हो गई, तो जो उसका प्रॉफिट है वो क्या नए पार्टनर को मिलना चाहिए कि पुराने पार्टनर को मिलना चाहिए, पुराने पार्टनर्स, समझो कोई अपने डेटर्स, उसमें से कोई डेटर्स डूब गए, मतलब पैसा नहीं देने वाले, तो वो जो लॉस है क्या वो नया पार्टनर बियर करेगा कि पुराने पार्टनर, पर सीधी बात है, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो, पुरानी चीजें पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशो में बढ़ती, पुरानी चीजें पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशो में बढ़ती हैं, तो हम हर चीज का क्या करेंगे, रीवैल्यू करेंगे, और उसके लिए हम क्या बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्या बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो सर आप समझाओ ना, रिवॉल्यूशन अकाउंट में जो भी लॉसेस होंगे वो इस तरफ आते हैं और प्रॉफिट होते हैं वो इस तरफ आते हैं, वैसे भी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब अगर अपन एक एक करके पॉइंट समझे, तो आपको बोल के रखा लैंड एंड बिल्डिंग इज वैल्यूड एट कितना, 4,50,000। लैंड बिल्डिंग है कितने की, 4 लाख, अब वैल्यू कितने की हो गई, 4,50, तो ये लॉस है कि प्रॉफिट है, तो वो इस तरफ आ जाएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग, कितना आ गया तुम्हारे पास, 50,000। फर्नीचर को डेप्रिशिएट करने के 10%, तो प्रॉफिट है कि लॉस, तो 3 लाख का 10% टू फर्नीचर अगर अपन देख के चलते, कितना आ जाएगा आपके पास, 30,000। क्रिएट 5% ऑफ PFDD, मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, आपको लग रहा है डेटर्स कुछ डूब सकते हैं पता नहीं कैसा, तो वो प्रॉफिट है कि लॉस, लॉस, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 PFDD, कितना, 5% ऑफ डेटर्स, मतलब 5% ऑफ 2 लाख, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो कितना हो गया आपके पास, 10,000, ठीक है ना। क्रेडिटर्स ऑफ ₹10,000 आर नॉट टू बी पेड, 10,000 के क्रेडिटर्स थे वो मर गए कोरोना में, उनकी मृत्यु हो गई। अब ऐसी खबर सुन के आपको दुख होगा कि खुशी होगी, हाँ मतलब 1 मिनट का गम, अच्छा आदमी का बाकी तो कुछ ही अंदर से, रोज मरे ऐसे लोग, जिनको पैसा देना है अगर वो मरते जाएंगे तो हमारा तो फायदा ही है ना, ये लॉस है कि प्रॉफिट है। तो सर बाय क्रेडिटर्स, 10,000 के क्रेडिटर्स निपट गए अपने, ठीक है ना, तो कितने हो गए, इन शॉर्ट अगर अपन पूरा रिवॉल्यूशन का लेखा जोखा देखें, तो इस तरफ कितना आ रहा है, 60,000, इस तरफ कितना आ रहा है, 40, और बाकी बचा हुआ जो प्रॉफिट वो किसमें जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो 60 में से कितने गए, 40, तो दोस्तों बच कितने गए, 20, ये 20 किसमें बढ़ेंगे, ए और बी, कौन से रेशो, 3/5 और 2/5, विच कम्स आउट टू बी, जितना मुझे लगता है शायद 12,000 और 8,000, ठीक है। तो सर ये हमारा वर्किंग नोट नंबर क्या होता है, 3, ठीक है। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते हमको क्वेश्चन के 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, 3, 3.5 मार्क्स मिल जाए। अब जो चीज सिखा रहा हूँ वो बहुत बड़ी चीज, ध्यान रखिएगा और उसको स्टैंडर्ड तरीके से समझने की भी कोशिश कीजिएगा, पहले एक बार यहां तक का कर लीजिए। सर
पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ही बनाना पड़ता है, ए बी सी, ये हमारा जंबो पार्ट है। अगर ये जंबो पार्ट ढंग से हो गया तो काम आपका इजीली हो जाएगा। चले, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना हो गया? 3 लाख और 5 लाख। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन तुम्हारे पास कितना हो गया? 3 लाख और 5 लाख। ए का बैलेंस 3 लाख था और बी का बैलेंस कितना था? 5 लाख। सही है यहाँ तक। अब अगर अपन आगे की बात करें तो क्या कैश में सी कुछ लाया क्या? सर सी अपनी कैपिटल लाया, कितनी लाया? 4 लाख। क्या कुछ ए और बी को गुडविल के नाम पे बटा क्या? सर गुडविल के नाम पे उनको बटे थे शायद कितने, 30,000 के, 18 और 12 हजार। देखो जब भी आप पार्टनर्स को कुछ भी दे रहे हो तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। और जब भी कुछ उनसे ले रहे हो तो क्या हो जाएंगे? डेबिट। तो क्या आप उनको गुडविल दे रहे हो तो क्रेडिट। क्या उनको रिवेल्यूशन में प्रॉफिट हुआ? हाँ सर, रिवेल्यूशन पे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। कितना हुआ प्रॉफिट अगर अपन देखें तो 12 और 8। तो यहाँ 12 और 8 क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। 12 और 8 क्या हो जाएंगे आपके? क्रेडिट। क्या बिजनेस में कुछ पुराना जनरल रिजर्व पड़ा है क्या? चेक करो, पुराना जनरल रिजर्व पड़ा है क्या? हाँ यार सर, बिजनेस में तो पुराना जनरल रिजर्व पड़ा है। कितने का पड़ा है? 50,000 रुपए का। तो बाय जनरल रिजर्व किसमें बटेगा? ए और बी में। कौन से रेशियो में? 3:2, क्योंकि जनरल रिजर्व पे भी अधिकार किसका है? ए और बी का। तो ये कितना हो गया? 30 और 20। क्या बिजनेस में कुछ पुराना लॉस भी है क्या? हाँ सर, ये जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होता है ना, ये एक प्रकार से बिजनेस का लॉस होता है। लॉस मतलब फिक्टिशियस एसेट। तो क्योंकि ये बिजनेस का लॉस होता है, क्योंकि ये बिजनेस का क्या होता है अगर अपन बात करें लॉस, वो यहाँ पे आ जाएगा टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। अगेन ये किस में बटेगा? ए और बी में। कौन से रेशियो में? 3:2। कितने रुपए थे? 1 लाख। कितने थे? 1 लाख। तो 1 लाख का 30:2 करेंगे तो 60,000 और 40,000। तो सर आप समझाना क्या चाहते हो? अगर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है तो क्या तरफ क्रेडिट, घट रहा है तो डेबिट। आया समझ में? तो सर आप इन सब के थ्रू अगर अपन सिस्टमेटिक देखें तो अपना ए का चाहे बी का चाहे सी का अब बैलेंस कितना बच गया? तो बैलेंस कैरेट डाउन हो गया अगर यहां से देखें तो 3 लाख प्लस 30 प्लस 30 कितना हो गया? 3,60,000। अगर अपन बात करके देखें तो यहाँ पे ये कितना हो गया? 3,60,000 में से कितने गए? 60,000। यहाँ कितने बच गए? 3 लाख। और यहाँ पे अगर 20 और 20 40 तो यहाँ पे तुम्हारे पास कितना हो गया? 5,40,000 में से कितने गए? 40। तो यहाँ कितने बच गए? 5 लाख। सी का बैलेंस कितना हो गया? 4 लाख। चेक करो ना, 3,60 में से कितने गए? 60। या 5,40 में से कितने गए? 40। सही गया था। तो ये जो नई कैपिटल आई, यहाँ पे एक हस्ती भी स्माइली होती है और ये सही वाली कैपिटल होती है बाकी ना। तो ये फाइनल कैपिटल हो गई। तो ये बोलती है मैं तो बैलेंस शीट चली, मैं तो कहाँ चली? बैलेंस शीट चली, क्योंकि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आपने रिवोल्यूशन का प्रॉफिट डाल दिया, गुडविल दे दी, जनरल रिजर्व दे दिया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का हिसाब किताब कर दिया। अब जो कैपिटल आएगी इनकी वो कौन सी बैलेंस शीट में जाएगी? नई वाली बैलेंस शीट में, जिसमें सी भी हमारा क्या होगा? पार्टनर। सी भी हमारा क्या होगा? चले अब अगर यहाँ के बाद देखें कि सर अब क्या होगा, अब यार दोस्तों बनती है बैलेंस शीट। क्या बनती है? बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में कैपिटल ध्यान रखिएगा आप लोग, ये कैपिटल तो एज इट इज जाएगी जाएगी। और जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मुझे एक बात और थोड़ी आपसे सहायता की जरूरत है कि जब अपन बैलेंस शीट बना रहे हैं तो अपन पूरा क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखेंगे कि सर बैलेंस शीट बनती तो बनती कैसे। जब भी आप बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट क्या हमेशा बनाते वक्त एक बात याद रखेंगे बहुत क्लियर तरीके से,
कि यहाँ पे एक नक्चड़ी स्माइली बनेगी, और वो नक्चड़ी स्माइली ऐसे थोड़ा सा अड़े मुंह से बोलेगी, अबे रिवैल्यूएशन को देख, अबे किसको देख, रिवैल्यूएशन को देख, क्योंकि रिवैल्यूएशन में काफी सारे चेंजेस आए हैं। ठीक है, सबसे पहले मेरा काम रहेगा मैं ए बी और सी की कैपिटल को ठिकाने लगाऊं। तो ए की कैपिटल कितनी हो जाएगी आपके पास, 3 लाख, बी की रहेगी 5 लाख, सी की रहेगी 4 लाख, तो टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी आपके पास, 12 लाख। ठीक है, अगर मुझसे कोई बोले तो यहाँ पे पुरानी बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व बढ़ चुका है, बट जहां तक क्रेडिटर्स की बात करूं तो कितने दिख रहे थे पुरानी बैलेंस शीट, 2.5 लाख। तो क्या क्रेडिटर्स अब 2.5 लाख के बचे कि 10,000 के क्रेडिटर मर गए, 10,000 के क्रेडिटर मर गए, ऐसा किसने बताया हमको, हमारे रिवैल्यूएशन, किसने बताया हमारे रिवैल्यूएशन, सही है क्या यहाँ तक। अगर अपन बात करें, अगर आप देखोगे तो अच्छे से और आराम से 2.5 लाख में से 10,000 क्रेडिटर क्या हो चुके, मर चुके। तो 2.5 लाख में से कितने गए, 10,000, तो बचे कितने आपके पास, 2,40,000, कितने बच गए आपके, 2 लाख। ठीक है, अब एसेट साइड में सबसे पहले कैश के बारे में कोई मुझसे पूछे तो मैं बोलूंगा देख भाई 1 लाख तो मिलने में पड़ा हुआ था, प्लस 4,30,000 सीबी तो लाया, हाँ कि ना, तो क्या बिजनेस का कैश कम हुआ कि कैश बढ़ गया, सी लाया ना भाई पैसा बिजनेस के अंदर, तो अब कैश कितना हो गया, 5,30,000 हो गया, 5,30,000। नेक्स्ट लेवल पे कोई मुझसे पूछे कि सर लैंड एंड बिल्डिंग कितने की लिखे, क्या 4 लाख की लिखे कि बढ़ गई है, सर बढ़ गई है 50,000 से, आपने रिवैल्यूएशन को नहीं देखा क्या कि रिवैल्यूएशन में लैंड एंड बिल्डिंग कितने से बढ़ी, 50,000 से, तो अब लैंड एंड बिल्डिंग कितने की होगी, 4.5 लाख। ठीक है, क्या सर अगर फर्नीचर देखें तो क्या फर्नीचर पुरानी बुक में तो कितने का था, 3 लाख था, लेकिन क्या उस पर डेप्रिसिएशन लगा है, कितने का, क्यों 50,000 से बढ़ी ना, पुरानी कितनी की थी, 4 लाख की, 4 लाख की थी और 4,50 की करी, हाँ कि ना, फर्नीचर पे क्या डेप्रिसिएशन लगा है, कितना लगा है, 30,000 रुपए, तो 3 लाख में से कितना माइनस हो जाएगा, 30, तो डेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2,70,000 रुपए फर्नीचर। सर अगर हम डेटर्स के बारे में बात करें तो डेटर्स थे कितने, 2 लाख, लेकिन उससे पीएफडी लग गया क्या, कितने का, तो पीएफडीडी कितना, 10,000। रही बात एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की, वो तो पार्ट टाइम बढ़ गया, वो तो लॉस तो बढ़ गया। अब अगर आप चेक करें दोनों साइड की बैलेंस शीट को, शायद इस तरफ का टोटल आ रहा है 14,40,000, और इस तरफ भी देखें अपन तो शायद 9,80,70, शायद 14,40,000 इस तरफ का भी आ ही रहा है। यहाँ पे जाके कंप्लीट होके क्वेश्चन आपको पूरे 8 मार्क देता है, तो क्या ये सिस्टमैटिक क्वेश्चन था, मैंने बोला हाँ यार दोस्तों, एक अच्छा उम्दा लेवल का सिस्टमैटिक क्वेश्चन था, ध्यान से देखिए, समझ के देखिए, फिर अपन आगे बात करें।